नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, कोरोना वायरस महामारी के मामले उत्तर प्रदेश में कम होने लगे हैं। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, ऐसे में रियायतों का दौर जारी है। यूपी में आज से अनलॉक 3 की गाइडलाइंस लागू हुई, जिसके तहत सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम खोले जा सकेंगे। योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। स्विमिंग पूल पहले की तरह अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शादी विवाह और धार्मिक स्थलों पर भी एक समय में अधिकतम 50 लोगों के जमा होने पर छूट होगी। वहीं लगातार जिस तरह से सरकार कोरोना कर्फ्यू में ढील दे रही है, ये किस हद तक सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में WHO ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि भारत में तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर तक दस्तक दे सकती है और उस समय कोविड का डेल्टा वेरिएंट पीक पर होगा। वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोगों के अंदर कोरोना का डर एक बार फिर खत्म हो गया है। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या तीसरी लहर की आशंका के बीच इस तरह से छूट दिया जाना सही है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है और चेताया भी जा रहा है कि डेल्टा प्लस को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर कर रही है, वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं, लेकिन एक तरफ जहां रोजगार की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ चिंता ये भी है कि कोरोना के मामले अचानक से अगर बढ़ गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और क्यों अगर हमें रोजगार को बढ़ावा देना है तो क्यों कोरोना की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और क्यों इसकी टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर भी चिंताएं कहीं ना कहीं जाहिर करनी जरूरी बन जाती हैं। तो वहीं सिनेमा मल्टीप्लेक्स खुल गए हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता शमशाद भी पहुंचे ग्राउंड लेवल पर और उन्होंने जायजा लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या हालात है। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं आज 5 तारीख है, जहां DM के आदेश से पिक्चर हॉल और स्टेडियम, बड़े मॉल जो है वो खोलने के आदेश दिए गए हैं। हम इस समय सहारागंज में मौजूद है, जहाँ पे PVR के पास आप देख सकते हैं कि आज PVR खोलने का ऑर्डर था, मगर पूरी तरीके से PVR जो पिक्चर हॉल है वो बंद किया गया है, अंदर साफ सफाई चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब जो है ये पिक्चर हॉल खोला जाएगा PVR, और कब लोगों को यहाँ पे मूवी देखने के लिए आना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम TV न्यूज। यूपी में खत्म हुई पाबंदियां, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी खुलेंगे। यूपी में खत्म हुई पाबंदियां, तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल एक बार फिर से खोल दिए गए। हालांकि बता दें कि मल्टीप्लेक्स में अभी इजाजत नहीं दी गई है लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल के लोगों को खुद लगता है कि उनकी तैयारियां पूरी नहीं है, जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय यही है कि मल्टीप्लेक्स जिम खोलने के बाद कोरोना के केसेस में क्या एकदम से उछाल आएगा, एक बार फिर तीसरी लहर में हम एंटर कर जाएंगे। ये खोलना आवश्यक है, लेकिन कोरोना का भी डर सतारा है। 50% क्षमता से खोलने की अनुमति, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। यूपी में पाबंदियां खत्म हो गई हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, इसके लिए लगातार हिदायत दी जा रही है। लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर अगर हम नजर डालें तो क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? क्या जिस तरह से लगातार सख्ती की बात की जा रही थी कि सख्ती बढ़ती जाएगी, जिन मार्केट में कोरोना गाइडलाइंस नहीं फॉलो किए जाएंगे उन्हें कहीं ना कहीं सील कर दिया जाएगा, तो क्या ये प्रक्रिया की जा रही है, क्या ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं इस वक्त, और इस वक्त ये फैसले कितने सही हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो गया है। तो आज से यूपी में अनलॉक का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। 50% की हालांकि क्षमता रखी हुई है, लगातार कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं,
24 घंटे में 40,000 से अधिक मामले सामने आए, लेकिन कोरोना का ग्राफ घट रहा है, लेकिन तीसरे लहर का खतरा भी लगातार WHO की तरफ से जताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है जिस देशों में तीसरी लहर आ गई है वहां पर स्थिति कितनी घातक है उसे देखते हुए भारत को सीख लेनी होगी और समझना होगा कि तीसरी लहर बोलकर बताकर नहीं आएगी। एम्स के डायरेक्टर भी लगातार इसको लेकर चेता रहे हैं कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। भाई इन सब के बीच अब तस्वीरें भी देख सकते हैं कि अनलॉक कोविड टाइम में बिना मास्क के लोग दिखाई दे रहे हैं, इन पर सख्ती क्यों नहीं? तो सख्ती कौन सुनिश्चित करेगा? लगातार देखा गया कि जैसे पहली लहर आई उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरी लहर ने एंट्री मारी और दूसरी लहर इसी वजह से आई क्योंकि पहली लहर के बाद जब अनलॉक प्रोसेस हुआ तो लोग बेपरवाह हो गए, एक बार फिर लोगों ने मास्क उतार दिया और जो तमाम गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ही दूसरी लहर हमने देखी कि कितनी घातक थी। और वही एक बार फिर दोहराया जा रहा है, एक बार फिर से जरूरी है हालांकि इस सरकार के लिए क्योंकि GDP दर लगातार घटती जा रही है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों की बिजनेसेस बंद हो गए, उसके चलते कहीं ना कहीं ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं जिसके चलते सिनेमा मल्टीप्लेक्स हॉल और जिम कई दिनों से बंद थे, तो लोगों को किराए भी देने हैं, लोगों को अपनी आमदनी भी बढ़ानी है, खर्चा भी चलाना है, उसके चलते अनलॉक करना जरूरी है। लेकिन उस अनलॉक के बावजूद कोरोना को देखना भी जरूरी है और लोगों को यह समझना भी जरूरी है कि अभी दूसरी लहर खत्म हुई है, अभी हमने वो चुनौतियां झेली हैं, वो तमाम चीजें देखी हैं, उसके बावजूद तीसरी लहर में हमें खुद जरूरी है कि इस पर हम समझें कि हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के प्रति अभी बेपरवाह ना हो। तो लगातार इसी को लेकर डर कायम है, कहीं ना कहीं जरूरी है अनलॉक करना, लेकिन अनलॉक में कोरोना की पाबंदियां कहीं अनलॉक ना हो जाए, ये आज का बड़ा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे, भाजपा नेता KC जैन, साथ ही साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहला सवाल मेरा विवेक जी आपसे, क्या लगता है आपको जो छूट दी गई है किस हद तक आपको लगता है सही है? दोबारा भारत को न देखनी पड़े। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब जो खबरें आने लगी हैं कि कुछ राष्ट्रों में तीसरी लहर ने भी अपने संकेत दे दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा विषय है और इस तीसरी लहर में बहुत चिकित्सा संस्थान है उनके विशेषज्ञों की बातों को मॉनिटर करते हुए, उनकी बातों को प्राथमिकता पे रखते हुए जो गलतियां हमसे दूसरी लहर में भी हो गई, जो चलिए मैं कहता हूं अनजाने में ही हो गई क्योंकि गलती तो सरकार मानती नहीं है अपनी कभी, तो अनजाने में अगर आपसे वो गलतियां हो भी गई तो उनपे पहले तो वर्कआउट करके उन डेटा को फिल्टर करते हुए बहुत जरूरी है कि उनपे प्रॉपर स्टेप लिया जाए। पिछली बार जिस तरीके से अव्यवस्था फैली थी उन अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए इस बार हमें बहुत जरूरी है कि हर संस्थाओं में जिम्मेदारी और जो नेतृत्व का निर्वहन है वो मुझे लगता है कि चिकित्सीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि महामारी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की बातों को माना जाए। हम राजनीतिक पटल में जब घुस जाते हैं या राजनीतिक पटल में जब द्वंद्व शुरू हो जाता है तो फिर जो प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य सेवाओं की वो दरकिनार होने लगती है। और पिछली बार पहली लहर की तो मैं बात ही नहीं करता, उसके लिए तो कोई भी सरकार होती तो चलिए तैयार नहीं थी, वो एक आकस्मिक विषय था, किसी की सरकार होती उसमें वो समस्याएं हो सकती थी। लेकिन दूसरी लहर में थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, सभी दलों को एक साथ आना पड़ेगा और मुझे लगता है कि प्राथमिकता में नेतृत्व चिकित्सीय संस्थानों के विशेषज्ञों के हाथ में होना चाहिए, न कि राजनीतिक दलों के। बिल्कुल विवेक जी, कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही भी है। KC जैन जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि सरकार का ये दायित्व है और कहीं ना कहीं इसको करना भी जरूरी बन गया है, इस वक्त अनलॉक करना जरूरी बन गया है क्योंकि लगातार रोजगार जो है लोगों के घटे हैं, लेकिन हम इस अनलॉक के चलते कहीं कोरोना की पाबंदियों को भी अनलॉक नहीं कर रहे हैं ना,
ये कौन सुनिश्चित करेगा? कहीं पे भी टेस्टिंग कम नहीं हो रही है, 70,000 से ज्यादा टेस्टिंग पर डे की जा रही है, और जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और स्टेडियम जो भी खोले जा रहे हैं इनमें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोले जा रहे हैं, पूरी की पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं खोले जा रहे हैं, जिससे कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। साथ ही साथ जो टेम्परेचर टेस्टिंग के साथ साथ सब लोग वहां पे प्रवेश की जो अनुमति है, तो जो मूल चीजें हैं जैसे मल्टीप्लेक्स में है तो मल्टीप्लेक्स में बिना मास्क के किसी की एंट्री वहां पे नहीं होगी। साथ ही साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था मल्टीप्लेक्स को करनी होगी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखने की भी जिम्मेदारी मल्टीप्लेक्स की होगी। तो देखिए, जीवन के साथ साथ जीविका को बचाना भी आवश्यक है। जहाँ पे और सारी चीजें धीरे धीरे खुल गई हैं, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और स्टेडियम इनको खोलना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि रोजमर्रा की जीवन में वो लोग समाजदार लोग ऐसे जुड़े हैं जिनकी बहुत कम सैलरी है और वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सैलरी कैसे मिलेगी अगर वो वहाँ पे परमानेंट छुट्टी पे रहेंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल और स्टेडियम को खोला गया है। यही धार्मिक स्थलों की बात, धार्मिक स्थलों पे जिस प्रकार से पहले एंट्री होती थी वही सारी चीजें रहेंगी, और 50 से ज्यादा लोग धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में लगातार शनिवार और रविवार जो वीकेंड लॉकडाउन था वो लॉकडाउन भी लगातार जारी है। आवश्यकता की बात कर रहे हैं, हम भी वो आवश्यकता समझ रहे हैं और पूरे अच्छे से समझ रहे हैं, तभी मैंने शुरुआत में ये चीज बोल दी कि खोलना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही थी कि बाजारों में अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती है तो उन बाजारों को सील कर दिया जाएगा, हालांकि हमें अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिली। आप तस्वीरें हमारे पास है, हम आपको प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, आप सुन लीजिए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में घूम रहे हैं, तो उसे सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व भी तो है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने पिछली बार जब लॉकडाउन किया तो उसपे लगभग 4,00,000 मुकदमे कायम हुए थे, और जब ये लॉकडाउन खुला और 4,00,000 मुकदमे इसीलिए कायम हुए थे जिससे कि जनता के अंदर एक अनुशासन कायम हो, और चाहे वो टिपलिंग बैठ के लोग चल रहे थे, चाहे बिना मास्क की गाड़ी चला रहे थे, बिना मास्क के बाजारें खुल रही थी, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। और उसको देखिए, धीरे धीरे लोगों की आदत भी हो गई है गाइडलाइन को फॉलो करने की, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, मास्क को इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। केवल और की बात कर रहे हैं केसी जैन जी, आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि कई ऐसी दुकानें, कई ऐसे बाजार हैं, आप कह लीजिए कि जो वहां की सरकार ने सील करे हैं, और समय उन समयों के लिए सील करे ताकि उनको एक तरह से कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि आप इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे इसलिए आपके बाजारों को बंद किया जा रहा है। प्रक्रिया क्यों नहीं, मुकदमे होना क्या करना जरूरी है? नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, कई बार क्या हुआ कि कई बार तमाम दुकानों को सील किया गया, कुछ समय के लिए सील किया गया, उनको खोला गया, पूरी पूरी मार्केट नहीं सील हुई, लेकिन जिन दुकानों पे जो दुकानदार इस तरीके का कृत्य कर रहे थे कि उनकी दुकान में लोग भरे हुए थे और साथ ही साथ मास्क सैनिटाइजर कहीं पे कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उनकी दुकानें वहां पर सील की गई, उनको नोटिस दिया गया, उनसे जुर्माना भी उनसे वसूला गया, और अब वो उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे एक साल से ज्यादा जिस प्रकार से कोरोना की एंट्री के हुए हो गया, और जिस प्रकार से कैजुअलिटीज भी बहुत सारी हुई, और तमाम सारे लोग प्रताड़ना भी कोरोना की झेली, हॉस्पिटल में लोग भर्ती हुए, और तमाम जगहों पे लॉकडाउन भी किया गया, तमाम जगहों पे बैरिकेटिंग भी की गई, तो इन सारी चीजों से जनता को स्वयं सबक लेना चाहिए, जनता को सहयोग भी करना चाहिए। केवल और केवल सरकार पे डिपेंडेंट होने से कि सरकार लाठी चला करके बंद करे लोगों को, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अब तो जनता को साथ में सहयोग में आना ही पड़ेगा, किसी के अंदर नहीं है, लेकिन कठोरता और कार्रवाई सरकार ही करेगी। ठीक है, मैं आप पर आऊंगी। डॉक्टर राजेश, आपका क्या कहना है जिस तरह से इन्होंने बातें कही, कि आपको क्या सही लगता है कि आपको दिख रहा है कहीं पे जमीनी स्तर पर कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, और जो अनलॉक का प्रोसेस ये हुआ है ये जरूरी है, लेकिन इस वक्त करना क्या ये सही है? जिस प्रकार से हम देख डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके आने का खतरा बढ़ रहा है देश में, कई सारे राज्यों में जिन्होंने सीक्वेंसिंग हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, और जिस तरह से अगर हम ग्लोबली देखें पूरे विश्व में तो यूरोप के कई देश, पुर्तगाल, इंग्लैंड, रशिया, ऐसे देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड में, यूके में जो डेल्टा वेरिएंट है इसके मामलों में
चार गुना इजाफा आया है। तो क्योंकि वो लोग पहले से वैक्सीनेटेड थे, उनमें वैक्सीनेशन पहले से लग चुका था, इसके बावजूद वहाँ पे चार गुना इजाफा देखने को मिला है डेल्टा वेरियंट में। हालांकि जो मॉर्टेलिटी रही है, मृत्यु दर, वो अभी भी कम रही है। हमारे यहाँ अगर मृत्यु दर की बात करें कीर्ति जी, तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जी ने खुद कहा है कि पिछली जो फर्स्ट वेव थी उसमें मॉर्टेलिटी 1.35% थी और जो सेकेंड वेव थी उसमें मॉर्टेलिटी 1.55% थी। तो आप बात को समझिए कीर्ति जी की मॉर्टेलिटी परसेंटेज हमारा बहुत ज्यादा नहीं था, उसके बाद भी सेकेंड वेव में जो नंबर ऑफ लाइफ थी, जो लोगों की जान थी, बहुत ज्यादा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, जैसे हम बेसिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं या जैसे बोलते हैं एकदम प्राइमरी लेवल के केयर, तो उसको मिलने में भी समस्या हुई और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों का, जैसे हम बोलते हैं, हम जान नहीं बचा पाए। अब मैं अगर बात करूं कि जैसा अभी चल रहा है और अगर हम बहुत तेजी से अनलॉक करते हैं और बिना ध्यान दिए चीज़ों को अनलॉक करते हैं बहुत तेजी से, तो समस्या ये हो सकती है कि एक दूसरी लहर आ सकती है। अब ये दूसरी लहर कब आती है कब नहीं आती है, इस बात से भी डिपेंड करता है कि हमारा वैक्सीनेशन किस तेजी से चल रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तीसरी लहर का इंतजार नहीं करना है और हमें इस पर सख्त कड़े कदम उठाने हैं। लेकिन जिस तरह से केसी जैन जी ने कहा कि टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग तो कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की हो रही है ना, डेल्टा प्लस की जब हम बात करते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेस्ट इसमें जुड़ जाता है और उसे आपने ही बताया था कि उसे टेस्टिंग में ही उसकी 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। उस बीच इसकी टेस्टिंग अभी बड़े स्तर पर ना करते हुए हम इंतजार कर रहे हैं क्या कि थर्ड वेव जब आएगी तब हम जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग बढ़ाएंगे, तब हम लोगों को बोलेंगे कि नहीं ये टेस्ट करवाइए? अब क्यों इस बात की देरी हो रही है? सरकार ने अभी पिछले दिन, कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि कुछ यात्री थे जो बाहर से आए थे, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जैसे बोलते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के जो यात्री थे ट्रेन से आए थे, उनकी जब चेकिंग की गई जीनोमिक सीक्वेंसिंग में, तो अभी उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग का तो रिजल्ट नहीं पता, लेकिन वो लोग ऐसे एरिया से आए थे जो जहाँ पे डेल्टा प्लस वेरियंट मिल चुका है, मतलब ऐसे राज्यों से आए थे। तो कीर्ति जी, सिर्फ समय की बात होती है। मैं केसी जैन जी की एक बात से सहमत हूँ कि थर्ड वेव तभी आएगी जब जनता खुद लाना चाहेगी। समस्या क्या है कीर्ति जी, कि हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि जहाँ 2 महीने पहले हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, वहाँ अब 2 महीने बाद मनाली में रूम नहीं मिल रहे। तो कहने की बात ये, जनता बहुत तेजी से भूल जाती है। जो सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं कि मास्क पहनना है, अननेसेसरी गैदरिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना है और संयमित रहना है, तो संयमित रहने का जो बर्ताव है ये व्यक्ति को स्वयं सीखना चाहिए। और जैसा कि बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं, हमारे साथ नहीं लानी है तो हमें ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है। विवेक जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि अनलॉक करना जरूरी है लेकिन टेस्टिंग क्या लगता है आपको, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो उतने स्तर पर हो रही है और जिस तरह से केसी जैन जी ने कहा कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? देखिए कीर्ति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनकी किसी भी बात को मैं क्रॉस करूं या क्वेश्चन करूं उतना नहीं, मेरे अंदर ना तो क्षमता है और ना ही मुझे इस जिम्मेदार मुद्दे के ऊपर इस तरह की कोई भी ऐसे क्या कहते हैं अपरिपक्व सवाल ऐसे करने चाहिए जिसके कारण की पूरा डिरेल होने लगे। मुझे लगता है कि सर ने जो बात कही, मैंने अपनी इस ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि इस बार जो अगर थर्ड वेव आती है तो इस बार कैसे भूमिका बनेगी, क्या समीकरण होंगे, क्या रणनीति होगी, उसकी प्राथमिकता में और उसके नेतृत्व में हमारे चिकित्सा संस्थान के विशेषज्ञों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक दलों को, न कि किसी आईएएस को। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूं ये चिकित्सा से जुड़ा मसला है और अभी 2 लहर में हमने यही गलतियां की हैं कि जो राजनीतिक दलों के नेतृत्व में जिस तरह से तैयारियां हुई या जिस प्रकार से मान के चलिए कि आईएएस या जो अफसरशाही के हाथ में ये चढ़ती गई व्यवस्थाएं, इस वजह से मुझे लगता है कि फेलियर काफी रहा। क्योंकि देखिए, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ हैं वो हमसे ज्यादा इस बात को समझ पाएंगे कि किस चीज की मॉनिटरिंग, किस चीज की अपडेटेशन, किस चीज की व्यवस्था और किस चीज की आवश्यकता किस समय कहाँ पे किस मात्रा में करनी है। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं, इस बार हमें एक चीज समझनी है कि कोरोना से तीसरी लहर के बचने के लिए 21 विशेषज्ञों ने विश्व के 8 सुझाव दिए हैं जिसे कि लासेंट मेडिकल जर्नल में बाकायदा पब्लिश किया गया है, सर ने पढ़ा भी होगा। मुझे लगता है कि उन 8 सुझावों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 8 सुझाव उन रिसर्च सेकेंड लहर में जो फेलियर हुआ है उस रिसर्च के बेस पे तैयार किए गए हैं।
तो लॉसेंट जर्नल में भी वो पब्लिश हुआ है बाकायदा, जिसमें कि बहुत ही जमीनी स्तर की बातें लिखी गई हैं। मुझे लगता है अगर उन 8 सुझावों को उसको अगर हम लागू करते हैं तो मैं 8 सुझाव बता सकता हूं मेरे पास है, लेकिन यह है कि समय की अगर बंदिश ना हो तो आप चाहें तो मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन वो जमीनी स्तर की बातें हैं। जैसे शहरी चिकित्सा व्यवस्था और ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था, दोनों की आवश्यकताओं में अंतर होता है, दोनों की व्यवस्थाओं में काफी लगातार ये चेताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर हमें कार्य करने की जरूरत है लगातार। रणदीप गुलेरिया ने भी यही बोला था। मैं एक बात एक लाइन और जोड़ दूंगा, एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। अभी जिस तरीके से केसी जैन जी ने कहा था कि जनता को भी अब जुड़ना होगा, जनता को जिम्मेदारी लेनी होगी, निषादगंज के STERT भवन पे आप हम इस समय डिबेट कर रहे हैं, बच्चों का महाधरना चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर के, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि धरने प्रदर्शन आए दिन हो रहे हैं भर्तियों पे, नियुक्तियों को लेकर के, अगर इस तरह से बच्चे वहां पे जमा हो रहे हैं आप क्या करते हैं, आप उनको सिर्फ उठा करके सीधे इको गार्डन भेज देते हैं, ये बहुत गलत संदेश है। आपको मुझे लगता है जिम्मेदारी के साथ सामने आकर के बच्चों को समझाना चाहिए, उनको भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी है। विवेक जी जरूरी नहीं है इकट्ठा करनी और ये इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए, लेकिन क्या करें जब सरकार नहीं सुनेगी तो जमीन पर उतरना ही पड़ जाता है। किसी जैन जी आपको क्या कहना है कि लगातार ये सुझाव दिए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर, लेकिन जो आपकी टीम 9 की टीम है उसमें IAS और PCS आपके उसमें जुड़े हुए हैं, चिकित्सक विशेषज्ञ कोई क्यों नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये चिकित्सा से जुड़ा मामला है? और लगातार हम उठाते रहे ये बात कि अगर रेमडेसिविर या आपको कोई दवाई को लेकर अगर आपको जाना होता है और लेनी होती है तो आपको पहले अधिकारियों से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो अधिकारियों से होते हुए परमिशन क्यों जाती है? देखिए पहली बात तो ये है कि आज रेमडेसिविर की कहीं पे भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई और 5,000 से किसी जैन जी अभी जरूरत की बात नहीं करी है, मैंने जब जरूरत थी तब ये प्रोसेस था, मैं ये बात कह रही हूँ और अभी भी वही जमीन। देखिए उसके लिए भी चिकित्सकों ने ही उस तरीके की गाइडलाइन तय की थी और जो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है और साथ ही साथ WHO की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही उस तरीके के कदम उठाए गए थे। लेकिन बात आज हो रही है जो हमने आपसे कहा कि देखिए हम ये नहीं कह रहे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। कैसी जान जी आप लगातार जनता पे मत डालिए, आप लगातार जनता पे मत डालिए, जनता को पता है उनका कर्तव्य है, लेकिन हमने रेड क्रॉस सोसाइटी में भी ये देखा था कि जब ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी तब नहीं मिल रहा था, अधिकारियों के 10 चक्कर लगाने लोगों को पड़ रहे थे, तो वो भी एक सच्चाई है। सुन लीजिए फिर आप अपनी सारी बात कहिए क्योंकि 3 लोगों के जवाब आ गए, मेरा जवाब सुन लीजिए। जी देखिए सरकार का काम है टेस्टिंग बढ़ाना, सरकार का काम है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, वही तो नहीं हो रही है, गाइडलाइन को जारी करना, सरकार का काम है डेल्टा प्लस की टेस्टिंग कहां हो रही है किसी जैन जी बताइए। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, कोई व्यक्ति सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करता है, तो क्या ये लगातार प्रक्रिया यही चलती रहनी चाहिए कि डंडे के बल पे सरकार उसको फॉलो कराए? मैं ये कह रहा हूँ जनता को सरकार क्या करेगी, गाइडलाइन एक बार पता चल गई है उसमें सहयोग करना चाहिए और आपको भी चाहिए ये कि जनता को इसके लिए जागरूक करें। हम तो कर ही रहे हैं किसी जैन जी, हमारा तो दायित्व है, हम तो कर ही रहे हैं, हम इसीलिए हर बार चर्चा रखते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन हम आज आपसे सवाल करने इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लगातार ये भी देख रहे हैं जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस आप कह रहे हैं कि जिन चौराहों पर चेकिंग लगी होती है वो हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ती है, अगर आज आप बिना मास्क के निकल रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, वो ये व्यवस्थाएं कहाँ चली गई अचानक से? 3 लाख से ज्यादा मुकदमे जो कायम हुए और लोगों से जो जुर्माना वसूल किया गया, मुकदमों को लेकर भी कई बार आपको सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ता लग चुकी है, शक्ति के कायम हुए कि आप हर किसी पे मुकदमे लगा देते हैं, आपको क्या लगता है ये मुकदमे क्या किसी के घर में जाकर के कायम कर दिए गए? किसी जी मेरे पास समय कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, डॉक्टर राजेश से मैं आखिरी क्वेश्चन कर लूं, ठीक है किसी जी हमने सुन लिया। डॉक्टर राजेश प्रजापति मुझे आपसे ये पूछना है सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से लगातार ये बातें की जा रही है कि जनता को सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना होगा, लेकिन सिनेमा घर मॉल्स वगैरह में किस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, किस तरह से लोग एकत्रित होते हैं, जो टचबिलिटी है वहां पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसको कम कैसे करें, इसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि ये सुनिश्चित होना। कीर्ति जी जब तक लोग स्वयं संयम नहीं रखेंगे और स्वयं ही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई भी सरकार उनको इस तरह से प्रतिबंधित करके या जुर्माना लगा के या मुकदमे दर्ज करा के इसे रोक नहीं सकती है। ये व्यक्ति की अपनी सोच का प्रक्रिया हो का हिस्सा होता है, उसकी अपनी जो कार्यशैली होती है उसका, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से
कोरोना अभी एक साल हो चुका है और अभी फिर नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अल्टीमेटली आपको याद रखना चाहिए आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो आप स्वयं इस बात का ध्यान रखें, संयमित रहें, क्योंकि जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि मॉल्स ओपन हो रहे हैं और सिनेमाघर ओपन हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वहाँ पे इस प्रकार से कोई भी मास्क पहनने ना पहनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब इतनी ज्यादा गैदरिंग रहती है और एक क्लोज सर्कुलेटिंग एयर होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग होती है, तो उसमें ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी एक व्यक्ति भी इन्फेक्टेड रहा तो पूरा का पूरा सिस्टम कंटामिनेटेड होगा और बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल सकता है। माफ कीजिएगा, मेरे पास समय का अभाव है विवेक जी, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ है, वही उसको लेकर ये भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो रहा है कि कोरोना अनलॉक ना हो जाए और जिस लहर को लेकर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं वो लहर ना आ जाए। हालांकि हम सरकार से जवाब तलब करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी, और ये जो तमाम जनता हमें देख रही है उनसे ये आग्रह भी करते हैं कि आप कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करें और जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर ना निकले, मॉल सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में बेवजह ना घूमिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।